Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in Mass Spectrometry. Today, our topic is sample inlet system and the detector used in Mass Spectrometry. So, aaj hum is pe baat karenge how we can inject different samples. Our samples, they may be solids, liquids or gases. अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करें, दे मे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर. हर सैम्पल्स की जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आपने जो है वो एड्रेस करनी होती हैं ड्यूरिंग द सैम्पल इंजेक्शन. मिसाल के तौर पे अगर आप EIMS की बात करें, देन द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर सैम्पल इंजेक्शन if you have EIMS electron impact ionization mass spectrometry, तो जो primary requirement है, the sample it must be in vapor state. It means vaporization is the फर्स्ट थिंग. जब आप EIMS से जो है वो एनालिसिस जो है वो कर रहे होंगे, तो कभी आप किसी भी कंपाउंड का आपने मैस स्पेक्ट्रम लेना है तो आपको सैंपल को हीट करके जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना होगा. सेकंड इज थर्मल स्टेबिलिटी. इट मीन हमारा जो सैंपल है जिसका हमने मैस स्पेक्ट्रम जो है लेना है, इट मस्ट बी स्टेबल एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, या जब आप उसे वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, देन इट मस्ट बी स्टेबल इन वेपर फेज. ये इसकी जो है वो सेकेंड रिक्वायरमेंट है. एंड इंस्ट्रूमेंट, वी नो दैट इट इज ऑपरेटेड अंडर हाई वैक्यूम. आप जब मैस स्पेक्ट्रम ले रहे होते हैं तो अंडर रिड्यूस प्रेशर जो है वो आप मैस स्पेक्ट्रम जो है वो लेते हैं. अब हमारे पास जो है वो लिक्विड्स और गैसेस, वी नो दैट फिजिकल स्टेट से आप जो है वो मेल्टिंग पॉइंट का अंदाज़ा कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास अगर गैसेस हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू लिक्विड जो है वो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. अगर लिक्विड है तो उनका ज़्यादा होगा, अगर आपके पास सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इससे भी जो है वो ज़्यादा होगा. सो इट मीन्स अगर आपके पास जो है वो सैंपल आपका लिक्विड है या सैंपल जो है वो गैस है, और लिक्विड जो है वो आपके पास इस तरह की है, इट हैज हाई वेपर प्रेशर. इट मींस के आपके पास जो लिक्विड है वो लो बॉइलिंग लिक्विड है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, इजीली आप उसको जो है वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस आपके पास ऑलरेडी जो है वो इन वेपर स्टेट में है. सो इट मीन फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ सैंपल्स, अगर आपके पास ये जो है वो सैंपल्स हैं, तो इसके लिए जो आप इनलेट सिस्टम यूज़ करेंगे, वी यूज्ड कोल्ड इनलेट सिस्टम. Okay, so we have suppose here a sample reservoir. Okay, so this sample reservoir is attached with this is sample container, this is reservoir. और यहाँ आपके पास ये भी आपके पास लॉक्ड है, ये भी सेप्टम आप यूज़ कर सकते हैं. सो हेयर यू हैव दिस इज टूवर्ड्स द टू आयन सोर्स. ओके, और ये आपके पास टूवर्ड्स ऑक्सिलरी वैक्यूम. अब आप करते क्या हैं,
फर्स्ट आप बाय सूटेबल मैनिपुलेशन ऑफ दीज वैक्यूम सिस्टम, ये सारे लॉक हैं, आप जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं दिस वैक्यूम सिस्टम। सो सैंपल फ्रॉम द सैंपल कंटेनर, ये इस रेजर वायर में जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। एंड देन फ्रॉम दिस रेजर वायर, ये आपके पास सारा जो सिस्टम है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, ये कोल्ड इनलेट सिस्टम है, बिकॉज योर लिक्विड सैंपल एंड गैसी सैंपल, द लिक्विड इज हाई वेपर प्रेशर, वो आसानी से जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है उसे हीट करने की। सो जैसे ही सैंपल यहाँ जो है वो रेजरवायर में स्टोर होगा, तो इस इन वैक्यूम को जो है वो मैनिपुलेट करके आप यहाँ से सैंपल को जो है वो टू आयन सोर्स जो है वो भेज देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो इट मीन्स के गैसियस फॉर्म ही उस सैंपल की जो है वो इंजेक्शन जो आयन सोर्स है, जहाँ आयनाइजेशन होगी बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वहाँ आप इसे जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर सैंपल इज़ अ लिक्विड, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, वो थिक जो है वो लिक्विड है, तो ऐसे सिस्टम के लिए अगर आपके पास जो लिक्विड है, If your liquid is liquid sample, but this liquid sample is high boiling, या आप इसे कह सकते हैं non volatile, non volatile liquid, तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए आप सैंपल तो यही जो है वो जो सिस्टम है आलमोस्ट इसी तरह की अरेंजमेंट यूज़ करेंगे, बट यू हीट द इंजेक्शन सिस्टम, जो आपके पास आप जो मेटल आप लेके जा रहे हैं या ग्लास से आप जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसे आप जो है वो हीटेड सिस्टम जो है वो आप यूज़ करेंगे। यहाँ आप पहले कोल्ड सिस्टम यूज़ कर रहे थे फॉर लिक्विड एंड गैसेज विच हैव हाई वेपर प्रेशर, बट फॉर द सैम्पल विच आर लिक्विड इन शेड एंड आर नॉन वोलेटाइल, इसके लिए आप जो है वो हीटेड सिस्टम यूज करेंगे। वाई हीटेड सिस्टम? बिकॉज यू कन्वर्ट योर नॉन वोलेटाइल लिक्विड सैंपल इन टू वेपर्स। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये जो सैंपल आप इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर तो कोल्ड आप इनलेट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं इन सैंपल्स के लिए, तो वहाँ आप मेटल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू इंजेक्ट द सैंपल। बट इफ़ यू हैव टू हीट द सैंपल, तो मेटल की बजाय आप जो है वो ग्लास सिस्टम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। दिस अवॉइड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन योर सैंपल एंड द मेटल। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो उसे हम अमूमन एब्रीविएट करते हैं AGHIS। दिस इज ऑल ग्लास हीटेड इनलेट सिस्टम। ओके, वी नो दैट अगर आप जो है वो मेटल यूज़ करेंगे, देन देर आर चांसेस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन आर द डिकम्पोजिशन ऑफ योर सैंपल बाय रिएक्टिंग विद मेटल्स। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस सैंपल। सो टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, टू टाइप्स ऑफ सेटिंग आर हेयर फॉर कोल्ड इनलेट सिस्टम एंड हीटेड इनलेट सिस्टम। फॉर कोल्ड इनलेट सिस्टम वी हैव लिक्विड एंड गैसी सैंपल, एंड लिक्विड दे आर हाई वेपर प्रेशर, एंड फॉर हीटेड इनलेट सिस्टम द लिक्विड्स दे आर नॉन वोलेटाइल। नाउ वी हैव इफ सॉलिड सैंपल्स, देन फॉर सॉलिड सैंपल्स वी यूज डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब। आपके पास जो है वो इस तरह एक डिवाइस है, सो दिस इज सैंपल होल्डर, ये आपके पास जो है वो हॉलो ग्लास टिप, इस जो है वो ग्लास टिप में आप जो है वो सॉलिड सैंपल ले लेंगे। ये आपके पास जो है वो रॉड है, और इसको आपने जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर दिए, एंड दिस इज
रिट्रैक्टिंग डिवाइस, आप जो है वो इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। यहाँ आप रख लेंगे सैंपल, ओके, ये आपका जो है वो सैंपल आपके पास जो है वो आ जाएगा। इसी तरह जो है वो आप इसी रॉड को, रिट्रैक्टिंग डिवाइस को पीछे मूव कर सकते हैं और आप सैंपल जो है वहाँ प्लेस करके इसको डायरेक्ट जो है वो आप प्लेस कर देंगे इन आयोनाइजेशन सोर्स। सो दिस इज, ये जो सारी आपके पास असेंबली है आप इसे जो है वो कह सकते हैं इट इज इंसर्शन प्रोब। आप इंसर्शन प्रोब में आप इसे जो है वो थ्रू कंट्रोल्ड मूवमेंट आप इसे आयोनाइजेशन सोर्स में वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास हो रही होगी, उसके बिल्कुल करीब जाके आप जो है वो इसे थोड़ी देर के लिए रखें। अब ये जो आपके पास ये इसकी टिप है, दिस इज हीटेड, और आपके पास जो आयन सोर्स है इट इज आल्सो हीटेड अप, ओके। तो इट मींस जैसे ही आप सैंपल को जो है वो ये भी हीटेड सिस्टम है और अंदर जो है वो आयन सोर्स से जो है वो सारा आपके पास अंडर हाई वैक्यूम आप ऑपरेट कर रहे हैं एंड इट इज आल्सो एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर इस टिप का है या आयन सोर्स का जो टेम्परेचर है इट इज एनफ टू कन्वर्ट दिस सैंपल इंटू गैस स्टेट या वेपर फेज। ये इसको जो है वो वेपराइज कर देगा, जैसे ही वेपर्स बनेंगे आपके जो है वो सैंपल्स के तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्राइक करेगी आपके सैंपल के साथ, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू आयंस। सो दिस इज यूज टू इंसर्ट और टू इंजेक्ट योर सॉलिड सैंपल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंपल इनलेट सिस्टम। नाउ वी डिस्कस द डिटेक्टर। इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री मोस्ट कॉमनली जो हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं वो एक्चुअली एक काउंटर होता है कि जैसे ही आयंस उस पर जो है वो स्ट्राइक करते हैं देन इट हैज़ एबिलिटी टू जनरेट अ शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो जो है जो शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा इट कैन बी थ्रू अ कैस्केड इफेक्ट, आप उसे जो है वो एनहांस करते हैं उसके सिग्नल को जो इसके लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। तो हम जो है वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। आपके पास हियर वी हैव ये आपके पास जो है वो डिटेक्टर का जो पार्ट है यहां से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यहां आ रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यहां स्ट्राइक करती है ये आपके पास जो है वो डिटेक्टर सिस्टम है। सो इट कंसिस्ट ऑन डायनोड्स, ये आपके पास जो है वो पैरेलल डायनोड्स हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के करीब करीब हैं बिल्कुल। जैसे ही आयंस जो है वो आके इस डिटेक्टर सिस्टम पे जो है वो स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ एक शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होगा। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ दीज आयन बीम्स एट द डिटेक्टर। और ये जो आपने डायनोड्स लगाए हैं ये बिल्कुल इसके पास पास हैं और आपने सीरीज में इनको जो है वो अटैच किया है। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हुए ये स्ट्राइक करेंगे दूसरे जो है वो डायनोड को, जैसे दूसरे डायनोड को प्रोड्यूस करेंगे इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, वो जो सेकंड जो है वो डायनोड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। दिस इज बिकॉज कि हर एक जो नेक्स्ट आपके पास डायनोड है इट इज एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो जैसे ही वो पहले वाले से दूसरा जो है वो ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा देन इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट और प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फिर जो है वो जब इसको जो है स्ट्राइक करेंगे तो अगेन इसी तरह ये सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होकर आप इसे जो है वो एक जो है वो थ्रू
a series of these generation of electrons. यहाँ जो electrons produce होंगे उनका number जो है वो हर आने वाले die node के साथ जो है वो increase हो जाएगा. तो एक stage पे आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि उस signal को जो है वो record कर सकेंगे. So here we have a recorder. So recorder it record that signal and convert it into charts. और यहाँ हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम आ जाएगा. दिस इज एम बाई जी और ये आपके पास है रिलेटिव अबंडेंस. सो दिस इज द डिटेक्टिंग सिस्टम जो आप जो है वो यूज करते हैं टू डिटेक्ट द आइंस. और हर एक आइन जो है वो जब वो नंबर ऑफ आइन्स अगर किसी के जो है वो ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं देन इलेक्ट्रॉन्स भी जो प्रोड्यूस होंगे वो ज़्यादा होंगे. इन दिस वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट द रिलेटिव जो आप जो अबंडेंस है उन आइन्स की वो भी हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं. ये आपके पास डाई नोड्स हैं, ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सारा आपके पास जो है वो डिटेक्टिंग सिस्टम डिटेक्टर है. एंड दिस डिटेक्टर इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर. So this is all about the sample inlet system and the detector which are used in mass spectrometry. So in my upcoming lecture I will discuss the quadrupole mass analyzer and also I will discuss how ions of different m by z they form different radius of curvature. वो equation हम discuss करेंगे उसको जो है वो apply करेंगे कि किस तरह जो है वो एक आयन जिसका एम बाई जी जो है वो कम है और एक आयन जिसका एम बाई जी जो है वो ज़्यादा है तो वो दोनों डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बनाएंगे. इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.